24-hour nationwide strike has been called off by the Indian Medical Association. The medical body has written to Prime Minister Narendra Modi listing out 5 solutions and demands around the hospital security, shift timings, ongoing probe of the rape and murder case in Kolkata and compensation to the family, among others. Aam Aadmi Party MP Sanjay Singh has spoken on the Kolkata doctor rape and murder case, stating that the incident is very unfortunate. The investigation is being conducted by the CBI and the main accused has been arrested. I demand that severe punishment should be given to those responsible for the incident. Let's in fact take a listen. आरजीकर मेडिकल कॉलेज की घटना अत्यंत हृदय विदारक है, पीड़ादायक है, दुखदायी है और कल्पना नहीं की जा सकती जितनी दरिंदगी उस जूनियर डॉक्टर के साथ हुई। अब वो मामला सीबीआई के पास है, उसके मुख्य अभियुक्त की गिरफ्तारी हो चुकी है। जिन लोगों पे और कार्रवाई करने की आवश्यकता है वो कार्रवाई बिल्कुल होनी चाहिए और मैं ऐसी मांग करता हूं कि सीबीआई इस मामले को जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाकर इस मामले को जल्द से जल्द दोषियों को ऐसी सख्त सजा दी जाए कि वो एक उदाहरण बने। Renick on the telecast with me. Renick, IMA's 24-hour strike is now concluded. As it's concluded, there are 5 solutions and demands that they have put forth to ensure that there is safety for the medical staff, their shift timings, all sorts of things have been listed in those solutions and questions. If you could take our view as to what exactly those are and what is the situation like as far as the protests are concerned. देखिए, आईएमए की तरफ से जो 24 घंटे का स्ट्राइक का ऐलान किया गया है उनको उठा दिया गया है, क्योंकि एक तरफ उनके तरफ से 5 सोल्यूशन सोचा गया है, जिस 5 सोल्यूशन को लेकर वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को चिट्ठी भी आईएमए की तरफ से दिया गया है। यानी आरजीकर मेडिकल कॉलेज में 2 इंसिडेंट, पहला तो ये जो विक्टिम के साथ पूरा घटना घटा था, सेकेंड ईयर का जो स्टूडेंट उनके साथ जो घटना घटा था, इसके बाद जो डॉक्टर्स का सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, नाइट ड्यूटी में जो डॉक्टर्स रहता है वो डॉक्टर्स का सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को लेकर सवाल आता है। दूसरी तरफ ये जो 14 तारीख रात में जिस तरीके से आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हमला हुआ, डॉक्टर्स के ऊपर हमला हुआ, इमरजेंसी वार्ड को तोड़ा गया, और इसी सिचुएशन में जिस तरीके का पूरा प्रोटेस्ट पूरा देश भर में चल रहा है, इसी सिचुएशन में डॉक्टर्स का सेफ्टी एंड सिक्योरिटी वो सही होना चाहिए, ये मांग को लेकर आईएमए की तरफ से ये चिट्ठी भेजा गया है जिसमें 5 सोल्यूशन का बात किया गया है। पहला तो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मेजरमेंट जो होना चाहिए डॉक्टर्स का वो होना चाहिए, और जो सेंट्रल की तरफ से एक एक्ट लागू करना चाहिए, ऐसा मांग भी आईएमए की तरफ से रखा गया है कि डॉक्टर्स के सेफ्टी के लिए, डॉक्टर्स के सिक्योरिटी के लिए एक एक्ट आना चाहिए, और ये मांग आईएमए की तरफ से किया गया। और उसके साथ साथ ही जो भी प्राइवेट और गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसमें सीसीटीवी कैमरा हर जगह सीसीटीवी कैमरा कवर करे, ये पूरा इंश्योर करना चाहिए, ऐसा 5 मांग आईएमए की तरफ से रखा गया है। 5 सोल्यूशन आईएमए की तरफ से रखा गया है कि डॉक्टर्स का जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि एनसीडब्ल्यू का जो रिपोर्ट उसमें भी आरजीकर का ये इंसिडेंट को जो सिक्योरिटी लैप्स कहा गया है, और इसी बात को सामने रखते हुए आईएमए की तरफ से फिर से एक बार डॉक्टर्स का सिक्योरिटी को लेकर सवाल उठाया गया है, और डॉक्टर्स का सिक्योरिटी किस तरीके से इंश्योर किया जाए उसका 5 सोल्यूशन भी चिट्ठी का माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को वो लोग शेयर किया है। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.